सबोपदेशक अध्याय 4। तब मैंने सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और कोई उनको शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरुहों को जो मर चुके हैं और उन जीवितों से भी जो अब जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं, नहीं ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता है और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिसके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना हो। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उसके परिश्रम करने का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, तो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदी गृह से निकालकर राजा हुआ हो। मैंने सब जीवतों को जो धरती पर है चलते फिरते हैं देखा कि वे एक दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ है। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है।